सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी देखो 10:30 के ऊपर हो गया, क्या बोलते हैं इसको, 9:45 बज रहे हैं अभी। और वापस से हमको ये वाला स्केच लगाना है दीवार पे, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर में लगाऊंगा फ्रेम में करके। फ्रेम वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है ना, इसलिए आज के अभी 2 स्केच और बनाने। एक तो एक नया वाला बना रहा हूँ मैं, आपको फोटो दिखाऊं, और एक कमीशन वर्क है ये वाला बनाऊंगा। और डिटेलिंग देखो, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है इसमें। देखो बैकग्राउंड भी और हेयर्स वगैरह भी बहुत ही ज्यादा डिटेल है, तो ये वाला स्केच बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये वाला बनाऊंगा A4 साइज की शीट पे, और इसको भी शायद फ्रेम करके लगाने का सोच। तो भाई अभी मैं बहुत ही बढ़िया वाले गाने सुन रहा था, ये भाई का मैंने इंस्टाग्राम पे रिमिक्स देखा था, और यहाँ पे आके देखा तो इतना बढ़िया बढ़िया गाने बनाए ना इनने, बहुत ही बढ़िया, मजे आ गए सुन के। तो अभी ये सुन रहा था, और अभी अभी एक और ऑर्डर आया ये वाला A3 साइज की शीट पे, तो पहले इस पे काम चालू कर देते हैं। ये देखो मैं पूरी की पूरी शीट एक साथ ले आया था, तो इस पे बनाना चालू करता हूँ ड्रॉइंग। ये देखो कितनी बड़ी शीट है, ये बहुत हेवी भी है ये, मतलब नॉर्मल मेरी जो पहले वाली शीट थी ना उससे बढ़िया शीट है ये A4 A3 साइज की। पहले मेरे पास ऐसे थोड़े से पतले वाले पेपर थे, ये थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो भाई अभी ये स्केच इतना बन चुका है, और एक चीज बताऊं यार, क्या ही नींद आ गई थी ना इतनी खतरनाक वाली, मतलब गाने पे सब कुछ डिपेंड करता है, अभी पता चला मेरे को। मैं अभी ड्राइंग बना रहा था, और ये पता नहीं कौन सा गाना आ गया, देखो थोड़ा पुराने पुराने टाइप का ऐसा गाना है, और इसके भी पहले बहुत सारे ऐसे गाने चले गए। इसके पहले मैं ना पता है रैप सॉन्ग सुन रहा था, थोड़े खतरनाक वाले गाने रहते हैं ना, तो वो सुन रहा था। वो पता नहीं है धीरे धीरे कैसे चेंज होते गए और अपने आप ही आते गए, और धीरे धीरे नींद आते गई, तो अभी बहुत ज्यादा नींद आ गई थी। तो अभी देखो 5:30 बज रहे हैं, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा बाहर, इसको आज मैं कम्प्लीट कर लेंगे अपन। और ये देखो ये बैग लाए थे हम लोग, बैग लाया था मैं, ताकि है ना इसमें अपना यहाँ पे मैं पेपर रखूंगा, शीट वीट रखूंगा, यहाँ पे पेंसिल रबर रखूंगा, और इसको मस्त यहाँ पे टांग के अपन घर से बाहर जाके स्केच बनाएंगे लोगों का, या फिर कोई भी प्लेस का वगैरह वगैरह, लाइव स्केचिंग। तो मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ लाइव स्केचेस, अभी तो आज नहीं, क्योंकि आज बहुत नींद आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आते हैं बाहर से। देखो मेरे को मेरी कुछ पुरानी स्केचेस मिली है, दिखाता हूँ आपको, बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा ही पुरानी है। ये देखो बाइक बहुत पुरानी है, ये पता नहीं कब की होगी, यहाँ पे डेट वेट तो नहीं लिखी इस पे। ये देखो बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है, पर फिर भी बनाई थी कुछ ना कुछ करके। ये है मेरे ख्याल से 5-6 साल पुरानी बाइक है, और ये अभी की स्केच, ये भी 2 साल हो गई आली स्केच को भी होने वाले, मतलब 1.5 साल तो हो ही गए होंगे इसको और इसको, मतलब देख सकते हो कितना चेंज आया है। ये देखो ये है सिस्टो एलिमेंटो लैम्बोर्गिनी, ये रॉल्स रॉयस, पता नहीं कैसे कैसे बना के मैंने काट के ले गया था। मैं पता है क्या करता था पहले, ये इनको है ना मैं ऐसे ले जाके कॉपी में रख लेता था छोटा छोटा फाड़ के, और फिर स्कूल में आके लोगों को दिखाता था कि ये देखो मैंने बनाई ये कार वार, और उनको भी ऐसा लगता था कि अरे भाई क्या बना दिया इसने ये। तो ये ऐसे कार वार की डिजाइन करके, BMW, लैम्बोर्गिनी, ये जैगवार, ये इधर है 718 बॉक्सटर, ये है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, ये देखो हॉट रॉड, ये मेरे को पहले बहुत ज्यादा ही बढ़िया लगती थी, लैम्बोर्गिनी गलाड़ो, और इस टाइप का ट्रक मेरे दोस्तों को अच्छा लगता था, पिकअप ट्रक वगैरह, तो मैंने ये बनाया था तब, बस इतना ही है। देखो ये है गार्डन जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ रात में यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेता हूँ, तो उससे क्या थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, क्योंकि दिन भर अपन घर में बैठे बैठे स्केच बनाते, तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेता हूँ, और पुशअप उशअप भी मार लेता हूँ, और बाकी की जो एक्सरसाइज है ना वो मैं घर पे करता हूँ। अभी तो रात हो गई फिलहाल, तो मैं आपको बाहर का दिखाता, देखो अंधेरा हो गया, सीढ़ी पे पुलअप उलअप मार लेता हूँ, तो मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। अभी तो चलते हैं अपना वापस से अपना काम चालू करते हैं। ये देखो अपने स्केच का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश करता हूँ कि आज जल्दी से जल्दी हो जाए आला कम्प्लीट। तो भाई अपना स्केच बन चुका है, और अभी टाइम देखो तो 12:30 बज रहे हैं रात के, तो अभी थोड़ा और कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ कमेंट देखे जिसमें लोग बोलते हैं कि कैसे सीखूं ये वे ऐसा थोड़ा, तो मैं आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ इस वीडियो में। तो ये पहले तो मैंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी चितर दिया यहाँ पे, मतलब कुछ भी फिनिशिंग करी है, कुछ भी डिटेलिंग कुछ भी नहीं करा है, बस एक आउटलाइन बना के उस पे जितना जहाँ जहाँ पे शेडो थी वहाँ पे अभी डार्क डार्क, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट रेंज दिया। अब इसमें जो मेन डिटेलिंग होगी ना वो मैं अब करने वाला हूँ, और आप लोग बोर ना हो इसलिए एक छोटी सी भी सुनाता हूँ मेरी। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक की कैसी क्या जर्नी थी मैं आपसे शेयर करता हूँ, कि कैसा लगा यहाँ तक के पहुँचने में, तो सब मैं बताता हूँ आपको स्केच बनाते हुए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आ गए अपने स्केच पे। देखो भाई सबसे पहले कोई भी कहानी आपको बताने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था ना, यूट्यूब की कहानी बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था उससे पहले मैं क्या करता था, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करता था, मेरा एक अकाउंट था गेम ऑफ आर्ट्स करके, अभी भी
भी है पर वो बंद रखा हुआ है, मैं उस पर कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ अभी, वो मैं चलाता भी नहीं हूँ, एक्टिव भी नहीं हूँ उसपे। तो उसपे मैंने 300 के आसपास पोस्ट करी है वीडियो फोटोज, मेरी जो जितने भी स्केचेस थी ना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के, तो सारी मैंने उस पर अपलोड करके रखी है, पर वो कुछ रीजन की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था वाले अकाउंट को, वो अभी बंद ही पड़ा हुआ है। स्केचिंग का शौक तो भाई बहुत पहले से था, मतलब बहुत ही पहले से, पता नहीं कब से था, बट धीरे धीरे स्केचिंग से पैसे आने लगे तो इसको ही कंटिन्यू करा था। धीरे धीरे अपने आप अच्छी होती गई थी स्केचिंग, और फिर मैं सेलिब्रिटीज की स्केच बनाता था और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था, और उनके फिर कमेंट्स आते थे, रिप्लाई आते थे। मैंने एक उस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि कौन कौन से सेलिब्रिटी ने मेरे स्केच पे रिएक्ट करा है, तो वो भी आप अगर देख, अरे नुकी टूट गई वो भी अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था ना स्केचेस वगैरह, तो मैं ऐसा कुछ पैसे का लेके नहीं सोचता था कि इससे आगे जाके अर्न करना है या फिर कुछ ऐसा कुछ लेके नहीं सोचता था, बस शौक शौक में बना के अपलोड कर देता था कि अरे भाई ये मैंने डिवाइन का बनाया है तो ये डिवाइन देख लेगा, और अपने कोई से भी सिंगर का बनाया तो ये सिंगर देख लेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे तो मजा आएगा, तो इसलिए मैं बनाता था। और फॉलोवर्स बढ़ेंगे मेरे, वो जो फॉलोवर्स का टारगेट था 1K का था, जो हो गए थे बट लोगों ने बाद में वापस से अनफॉलो कर दिया। और स्केचिंग के अलावा मेरे को कार्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं क्या जहाँ पे भी स्पोर्ट्स कार वगैरह दिखती थी ना इंदौर में, तो जहाँ पे भी दिखती वहीं पे फोटो क्लिक करके सीधे अपलोड कर देता था उसी आईडी पे। लो वापस से नुक टूट गई तो वहीं पे उसी आईडी पे अपलोड कर देता था। इसका मतलब ये कि तब मेरे को कार्स का और ड्राइंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो मैं कंटिन्यू करते रहता था बिना कोई पैसे वैसे देखे, बस ड्राइंग बनाते जाओ कार जहाँ पे देखी फोटो खींच के अपलोड कर दो। यूट्यूब पे आने से पहले बहुत बड़े बड़े सपने थे कि भाई ये चीज तो चाहिए ही चाहिए ऐसा ऐसा करके, तो वहां से थोड़ा सा पता चल गया था कि हाँ भाई अपने को थोड़ी सी मेहनत करना है। तो फिर किसी ने बताया कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि यूट्यूब पे अभी अपना चैनल बनाओ वहां से पैसे आते, पर मैंने किसी का सुना नहीं था। और फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब के बारे में सर्च करा, फिर चैनल बनाया, चैनल क्रिएट करा, और इंस्टा की जितनी भी मेरी वीडियोस थी ना मैंने उठा के अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे जाओगे ना तो बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस दिखेगी जो टाइम लैप्स टाइप की, वो सब मैंने इंस्टाग्राम पे से उठा के यहाँ पे अपलोड करी थी। पता है जब मैंने थोड़ा बहुत जान लिया था ना यूट्यूब के बारे में कि क्या होता है, कैसे क्रिएटर लोग पैसे कमा रहे, कितना पैसा कमा रहे, तो वो सब मैंने देखने के बाद थोड़ा बहुत फिर मैंने भी थोड़ा अच्छे से वीडियो अपलोड करना चालू करी। और मैंने तब सोचा था कि भाई मैं 5-6 वीडियो डालूंगा और सीधे वायरल होगा और खतरनाक व्यूज ही व्यूज आ जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे, क्योंकि मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी थी, लोग तारीफ करते थे, कमेंट करते थे अपने इंस्टाग्राम पे, तो तब ऐसा लगता था कि अरे भाई मैं तो जल्दी से फेमस हो जाऊंगा, अपनी स्किल सबको पसंद आएगी। बट फिर अपलोड करे वीडियो और बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी को कोई देखता ही नहीं था, और शायद स्टार्टिंग में किसी के भी वीडियो चलते नहीं है। तब पता है मैंने क्या किया, तब मैंने एक और चैनल बनाया गेमिंग का, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता था कि कितने क्रिएटर क्या काम कर रहे हैं, तो मैंने गेमिंग का चैनल बनाया। उससे पहले जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था ना ड्राइंग की, तो मेरे को लग रहा था कि भाई एडिटिंग में दिक्कत है, तो मैंने एक पीसी ड्राइंग के जो पैसे वैसे आते ना उससे जमा करके एक पीसी लिया था, गेमिंग पीसी, ताकि उसमें एडिटिंग बढ़िया हो सके, डिजाइनिंग जो भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ वो अच्छे से रेंडर हो सके और अच्छे से हो सके एडिटिंग, तो वो लिया। और फिर उसके बाद उसी पीसी पे गेम चालू, ये रखा अपना पीसी गेमिंग वाला, तो इसी पे अपना गेमिंग चालू कर दिया। मैंने चैनल बनाया गेमिंग का जिसपे मैं फनी टाइप से गेमिंग करता था, तो अगर आप देखोगे कभी, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा फनी है वो, अभी देखता हूँ तो और ज्यादा हंसी आती है कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, पागल बनती। तो मैंने कुछ फनी टाइप के वीडियो बनाए थे गेमिंग के, तो वो भी उतने ज्यादा कुछ चले नहीं, उस पे भी 35 कुछ सब्सक्राइबर हुए थे बड़ी मुश्किल से, और वहाँ पे मैं BGMI के भी वीडियोस डालता था तब, और BGMI बैन हुआ था तब का, पर वाला चैनल भी बंद हो गया, तो उसको भी फिर रखे रहने दिया। उस पे भी कभी कभी इच्छा होती है तो देख लेता हूँ वीडियोस, बट वो वाला भी रखा ही हुआ गेमिंग का। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं कहानी में आपको ये बता देता हूँ कि बैकग्राउंड को ब्लर में मतलब ब्लैक इसलिए करता हूँ ताकि फेस ज्यादा हाईलाइट हो। अभी मैं फेस पे व्हाइट करूंगा ना तो ज्यादा हाईलाइट होगा, अभी यहाँ का जितना भी है ना एरिया ये सब ब्लैक हो जाएगा ना, तो ये फेस थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो उससे थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा, इसलिए बैकग्राउंड को ब्लैक करना जरूरी है। अगर सीधा बना देंगे ना तो पेपर के कलर से फेस की हाईलाइट मैच होगी, तो उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं लगेगा। ये देखो अभी ये बहुत ही ज्यादा रफ लग रहा है ना, इसमें अपन डिटेलिंग चालू करेंगे थोड़ी देर में। कहाँ पे थे अपन कहानी में? जब गेमिंग चैनल बंद हुआ ना तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगा था मैं कि भाई वीडियो चल नहीं रहे, मेहनत कर रहे अपन और कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर मेरे को लगा कि भाई वीडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तब बनाता था मम्मी के फोन से, तो मेरे को लगा कि भाई क्वालिटी में कुछ दिक्कत होगी इसलिए लोग देख नहीं रहे। तो मैंने एक प्लान किया आईफोन का, ये जो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसी का, फोन लेने से पहले मैंने सोचा था कि जब ये फोन आ जाएगा ना मैं प्रॉपर व्लॉगिंग चालू करूंगा, व्लॉगिंग करूंगा डेली डेली, और डेली व्लॉग्स
डालूंगा, अपलोड करूंगा। तब फिर मैंने एकदम खतरनाक लेवल पे स्केच बनाना चालू करे, रात रात भर दिन दिन भर ड्राइंग बनाया बहुत खतरनाक वाले। और उसके बाद ऑर्डर्स लेना, क्योंकि सबसे मेन तो क्या रहता है, ऑर्डर का रहता है पता है। मतलब स्केच तो मैं बना दूंगा पर ऑर्डर कहाँ से आएंगे, तो एक बिजनेस टाइप का माइंड हो गया था मेरा तब, कि कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं तो वहां से पैसे कमाओ, ऐसा था। तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता था, स्टोरीज डालता था, वहां से लोग आते थे इंस्टाग्राम पे देख के कि कम कम रेट में। मैंने एक गिव अवे रखा था, वहां से लोग आ गए थे। तो ऐसे बहुत आइडियाज लगाए थे कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करे ड्राइंग के लिए। तो तब मैंने फिर कमाए पैसे, 3-4 महीने, नहीं 6-7 महीने कमाए थे। मैंने चालू करा था, डेट तो याद नहीं पर 6-7 महीने हो गए थे। पर उन 6-7 महीनों से पहले ना मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को कुछ भी नहीं आता था एडिटिंग का। फिर भी मैंने बहुत ही मुश्किल से एडिटिंग करी। ये ब्रश यूज करता हूँ मैं थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए बार बार का, जैसे कि ये शार्प शार्प दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा ना तो ये स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। और ये जो पूरा रफ वर्क बना ना, इस पे मैं एक बार पूरे पे चला देता हूँ, क्योंकि जितनी भी हाईलाइटेड चीजें ना वो भी एक ही लेवल की हो जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ से रबड़ से हाईलाइट करूंगा, ऐसा रहेगा। तब पता मेरे को कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे वो भी। और प्रीमियर प्रो अगर आपको नहीं पता तो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दिखता है प्रीमियर प्रो। तो स्टार्टिंग में मैं डर गया था कि भाई इस पे एडिटिंग करना पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे सीखा, तब जाके बना उस पे एडिटिंग करना। जब मेरा फोन आया ना तब ऐसा लगा कि भाई कुछ भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इतना बड़ा फोन लिया था, आईफोन लिया था, जबकि मेरे पास कोई भी फोन नहीं था, तो सीधे मैंने आईफोन ही लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तब। तो उसके बाद मैंने जोश जोश में व्लॉगिंग चालू करी और वीडियो अपलोड नहीं करे, बस सीखते गया। और फिर जब मैंने वीडियो अपलोड करे थे ना, मेरे कुछ दोस्तों को मालूम था चैनल के बारे में, और मेरे कजन्स वगैरह घर पे भी सबको पता था कि वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो जब मैंने वीडियोस अपलोड करे ना, तो मेरे दोस्त लोग भी मेरी एक्टिंग करते थे, पता है। अब तो अभी भी करते हैं पर अभी बुरा नहीं लगता, पहले इतना बुरा लगता था ना भाई। कजन्स भी एक्टिंग करते थे पर मैं फनी वीडियो भी बनाता था ना, तो हंसते थे सब लोग, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मजाक बन रहा है अपना, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कजन्स लोग भी हंस रहे हैं और दोस्त लोग भी हंस रहे हैं। तो एक बार तो मैं ऐसा डिमोटिवेट हो गया था कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। फिर ब्लॉगिंग को थोड़ा सा और सीखा, समझा कि भाई क्या क्या रहता है उसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते गया, पता नहीं कैसे अपने आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अभी भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ मैं सबके सामने, वही अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर पहले से कंपेयर करें ना, पहले पता है मैं कैसा इंसान था, पहले ऐसा था कि ये आपको फोटो दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे कि ऐसा कुछ था। मैं लफंगू टाइप का था थोड़ा सा, कि बाहर बाहर घूम रहे, दोस्तों के साथ घूम रहे, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, कोई दोस्त नहीं है ज्यादा, अपने सोसाइटी के दोस्त थे और एक दो स्कूल के दोस्त थे, तो ऐसा कुछ था मैं पहले। और लड़ाई बड़ाई होती रहती थी स्कूल में भी किसी से भी, तो ऐसा सब चलते रहता था। और ये तो एक फेज था। दूसरे जगह ऐसा था कि भाई चुपचाप घर पे चुपचाप शान सा, कोई किसी से कुछ बातें शेयर नहीं करना। और फेस मेरा ऐसा रहता था कि हमेशा कि मैं गुस्से में हूँ, बाकी रहता नहीं था पर एक्टिंग रहती थी वो, पर पता नहीं क्यों एक्टिंग रहती थी ऐसी। तो ऐसा कुछ फेस रहता था मेरा। मैं फोटोज आपको डालते जाऊंगा, तो आप फोटोज देख के थोड़ा सा समझ जाना कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तब क्या मैं हर चीज प्राइवेट रखता था, पर्सनल रहता था सब चीज, कि किसी से शेयर नहीं करना, अपनी डेली लाइफ नहीं बताना किसी को। और तो उसके बाद से सीधा मैंने ब्लॉगिंग चालू करी, जिसमें आपको डेली लाइफ स्टाइल दिखाना है आपकी, कि आप क्या कर रहे हो, रूटीन बताना है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था कि कैसे बताएं कि हम ये कर रहे हैं। तो भाई बट धीरे धीरे समझ में आ गया था, तो धीरे धीरे चालू करा, फिर करा। लोग बोलते थे बट बोलने दिया, थोड़ा सा बुरा लगता था कभी कभी, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता था, ऐसा लगता मुंह फोड़ दूं इसका पर मैंने फिर उतना ध्यान नहीं दिया। और अभी ऐसा हो गया कि अभी तो भाई कोई कितनी भी बुराई कर लेना, सामने आके कुछ भी बोल देना, तो मैं हल्के में ले लेता हूँ, पता नहीं कैसे पर ऐसा लगता है कि भाई ठीक है यार। भाई कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए ना, तो 2 मिनट बाद वापस से ठीक हो जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ बातें, जो भी अगर कोई चुभने वाली बातें करे तो ऐसा रहता है। अभी तो मैं किसी भी बातों का लोड ही नहीं लेता हूँ इतना ज्यादा, कि कुछ जो हो रहा है होने दो, अपने अपने काम पे करते, अपने काम पे ध्यान देते रहो। और अभी ये स्केच देखो मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा हाईलाइट ज्यादा दिखेगा ये, तो अभी फेस थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है अगर शीट से कंपेयर करें तो। अभी मैं इस पे थोड़ी देर में अपना व्हाइट पेन, जो मेन चीज है ना ये, इससे डिटेलिंग करूंगा ना, इतनी खतरनाक फेस दिखेगा ना। अभी देखो ये जो साइड में देख रहे हैं ऐसा लग रहा है, और ये सामने देख रहे हैं, तो इनकी जो आईज है ना वो भी ठीक करना है। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी नीचे से बुलावा आ गया है, अब सोने के लिए जाना है, क्योंकि अभी 1 बज रहे रात के। तो बाकी का स्केच भी मैं कल ही बनाऊंगा, और आगे की कहानी भी आपको कल बताऊंगा। आगे की कहानी में क्या होने वाला है कि यूट्यूब पे मैं आया और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अभी तो मैंने सिर्फ अपना बैकग्राउंड बताया और कैसा मैं इंसान था और ये सब बताया यूट्यूब पे आने से पहले, बट यूट्यूब पे आने के बाद क्या हुआ। और अभी 1K हुए,
एक डेढ़ साल में हुए शायद, है ना, तो ज्यादा ही हुआ है, एक साल 10 महीने मैंने कुछ कैलकुलेट किया था, 200 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड करने के बाद। तो कैसा लग रहा है, कैसा क्या है, वो सब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, आपको सुन के भी मजा आएगा। और यार स्केच भी अपन कल ही कम्प्लीट करेंगे, आज पता है 3 ऑर्डर आए, पहले आ ही नहीं रहे थे ऑर्डर्स, अब आज एकदम से ऑर्डर्स आ गए, तो ये कंप्लीट करेंगे कल। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक ही देख रहे हो तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अगले बार अगले वीडियो में मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।